हर ब्राह्मण 107 बेलपत्र शिवलिंग पर, एक बेलपत्र अशोक सुंदरी पर 108। आज दशरथ जी के शरीर में जो हर ब्राह्मण है, इसके शरीर में आज ताप आ गया, बुखार आ गया। हर ब्राह्मण ने कहा, बुखार ज्वर अभी मुझे मत आना, मैं मंदिर जा रहा हूँ, फिर निकल जाऊं तब आना। कौन होगा जो ज्वर को, बीमारी को, दुख को रोक देगा? हर ब्राह्मण ने शंकर का नाम लेकर दुख को रोक दिया, बुखार को रोक। हर ब्राह्मण ने जैसे ही सुना स्त्री के रोने की आवाज, तो चिल्लाकर पूछा, कौन है दीवाल के पीछे? कौन है ये दीवाल के पीछे? कौन है? कौन? स्त्री रोते रोते बोली, मैं एक प्रेत, एक राक्षस, एक असुर हूं। अपने पति को, माता पिता को, परिवारजन को अपशब्द कहती थी। जो जल शिवजी के मंदिर में जाता था, उस जल के पात्र को मैं झूठा करके पटक देती थी, इसलिए प्रेत योनि में पड़ गई हूं। मुझे मुक्त करिए। मुझे मुक्त? हाँ। हमने एक बात आप लोगों को पहले कथा में कही थी, आपके स्मरण में होगा। हमेशा कहते हैं एक लोटा जल महादेव को चढ़ाओ। हमने कथाओं में कई बार कहा, कभी कभी दो लोटा जल भी महादेव को चढ़ाओ। किस लिए? एक लोटा जल तुम्हारे लिए, और एक लोटा जल जो बॉर्डर पर हमारे भारत के सैनिक खड़े हैं, उनकी रक्षा के लिए। एक लोटा जल कभी उसके लिए भी समर्पित। पूछा हर ब्राह्मण ने, तुम कौन? मैं प्रेत। मैं प्रेत? मेरी मुक्ति करिए। हर ब्राह्मण ने कहा, जो मैं शंकर भगवान को 108 बेलपत्र चढ़ाता हूं, उसमें से एक बेलपत्र का फल आज तुझे देता हूं। और एक बेलपत्र का जो फल दिया, वो प्रेत योनि से छूट गई। हर ब्राह्मण के चरणों में पड़कर बोली, तुमने मुझे प्रेत योनि से मुक्त करा। शिव को 108 बेलपत्र रोज चढ़ाए हैं तुम। अगला जन्म तुम्हारा राजा दशरथ के रूप में होगा, और तुम्हारे घर में स्वयं राम तुम्हारी गोद में खेलेंगे। स्वयं राम। आप में से कितने लोग हैं, जब आपके कोई परिचित बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल में देखने के लिए जाते हो? जाते हो सब लोग? जम के तो बोलो जरा, जाते हो? आपसे निवेदन है, कोई परिवार में, मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, नगर में, गांव में कोई बीमार पड़ा है, हॉस्पिटल में पड़ा है, उसको देखने जाओ तो 1 किलो सेव फल भले मत ले जाओ, केले फल फ्रूट भले लेकर मत जाओ, पर इतना जरूर करो, कोई बीमार पड़ा है तो उसके हॉस्पिटल में जाने से पहले शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाकर प्रार्थना कर कर जाना, बाबा मैं जिसको देखने जा रही हूँ उसको सही कर देना, आप मेरे साथ चलो मेरे शंभु, आपका जल मेरे साथ चले। शिव जी का चढ़ा हुआ जल अपने हाथों में लगाकर एक बार जब मरीज से मिलने के लिए जाओ, तो उसको जरूर अपना स्पर्श का भाव देकर कि तू ठीक होगा, चिंता मत करना, मैंने देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी है, वो तुझे ठीक करेगा ही करेगा, तुझे दुख नहीं दे सकता। अब प्रार्थना करो उससे। आप निवेदन करो उससे, सुनता सुनेगा।
हम जितने नम्र बनेंगे, हम जितने सहज बनेंगे, उतने अच्छे। अच्छा बनना सरल है, पर सरल बनना कठिन है। अच्छा बनना तो सरल है, आप अच्छे बन जाओगे तो लोगों की दृष्टि में आ जाओगे, बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यक्ति है। अच्छे व्यक्ति लोगों की निगाह में रहते हैं, बोलो सही है कि गलत है? अच्छे व्यक्ति लोगों की निगाह में रहते हैं, पर जो बिल्कुल सरल हो जाता है, एकदम सहज हो जाता है, वो निगाहों में नहीं, दिल में रहता है, दिल हृदय में रहता है, मन में रहता है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। अच्छे व्यक्ति, अच्छा बनना सरल है, पर सरल बनना कठिन है। अच्छे व्यक्ति लोगों की निगाह में रहते हैं, दृष्टि में रहते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छा नेत्रों में रहता है, पर सरल व्यक्ति दिल में रहता है। सरल होना कठिन। एक माता ने पत्र लिखा।